प्रिय स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लाउड uh, के अकाउंट को क्रिएट करना सो so बेसिकली जो आज हम लेक्चर में बात करेंगे क्लाउड अकाउंट मीन्स आपको जो क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना है उसको किस तरह से यूज़ करना है क्लाउड की सर्विसेज हमारा जो अमेजॉन है उसमें वो सर्विसेज़ कैसे आपको प्रोवाइड कराता है तो आज हम बात करेंगे जो अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और क्लाउड की सर्विसेज़ को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो जो अमेजॉन है क्योंकि हम सब फेमिलियर हैं अमेज़ॉन ए जो है वो अपने आप में क्लाउड की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है सो so, अगर हमें हम आइडिया नहीं है कि हमें क्लाउड का सर्विसेज को यूज़ करना है और आप को कोई सा वर्क करना है मीन आपको प्लेटफॉर्म चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्टोरेज चाहिए एंड वी आर नॉट फेमिलियर टू हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट और या फिर हम कैसे उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कि किस कि तरह से हम अकाउंट क्रिएट कर करें और फिर उन सर्विसेज का यूज कर सके तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अकाउंट क्रिएट कैसे होता है अमेजोन हमें मालूम है अमेजोन में सर्विसेज जो है एडब्ल्यू आपका ए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराता है आपको फ्री सर्विसेज के साथ साथ कुछ उसकी पेड सर्विसेज है मतलब अप्रॉक्स फाइव थाउजेंड प्लस से ज़्यादा सर्विसेज ए डब्ल्यू एस हमें देता है इसके साथ ही उन फाइव थाउजेंड प्लस में हमें सर्विसेज जो होती हैं वो कुछ फ्री सर्विसेज है कुछ समहा कुछ पेड सर्विसेज है कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये सर्विसेज ए डब्ल्यू एस जो है वो प्योर पेड सर्विसेज देता है जबकि ऐसा नहीं है ये आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो चलिए हम देखते हैं कैसे इन फ्री सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट उसका ए डब्ल्यू एस में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तो चलिए इसमें होगा कि आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करना है सो so, हम जाएंगे ए डब्ल्यू एस ए डब्ल्यू एस फ्री टायर अकाउंट तो देखिए आप यहां पे ए डब्ल्यू एस फ्री टायर अकाउंट आ गया है जैसे हम ए डब्लू एस फ्री टायर अकाउंट पे क्लिक करेंगे सो तो आपको क्या होगी आपको जो ए डब्ल्यू एस की सर्विसेज है तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं फ्री टायर अकाउंट को क्रिएट करना है सो हाउ टू क्रिएट फ्री टायर अकाउंट तो किस तरह से आप फ्री टायर अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो आप गूगल पे जाएंगे गूगल पर टाइप करेंगे ए डब्ल्यू एस फ्री टायर अकाउंट जैसे ही आपने उसको तो टाइप किया आपकी ये सर्विसेज आ गई सो so, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अमेजोन वेब सर्विसेज गेट अ फ्री टायर तो फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए क्योंकि हमें अकाउंट क्रिएट करना है मतलब बिना अकाउंट क्रिएट किए हम उसकी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते तो हमें जब हमें ए की सर्विसेज को अगर यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा सो इट्स इन नेसेसरी कि हम पहले उसके अकाउंट को क्रिएट कर सके सो क्रिएट एन ए डब्ल्यू एस अकाउंट ये यहाँ पर है और क्रिएट फ्री अकाउंट सो वी आर गोइंग फॉर ए डब्ल्यू एस फ्री टायर हम यहाँ पर जा रहे हैं क्रिएट आ फ्री अकाउंट क्लिक ऑन हेयर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपका ए डब्ल्यू एस का आया यहाँ पर आ रहा है आपका देखिए एक्सप्लोर फ्री टायर प्रोडक्ट फिर न्यू ए डब्ल्यू एस अकाउंट तो हमें एक न्यू ए डब्ल्यू एस अकाउंट बनाना है यहाँ पे साइन अप है फॉर ए डब्ल्यू एस अकाउंट तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना ई मेल आई डी देंगे ई मेल एड्रेस हमको डालना पड़ेगा सपोज मैं अपना ई मेल आई डी अगर पुट करती हूँ यहाँ मैंने अपना ई मेल आई डी डाला है प्लस दिस इज़ माई ई मेल आई डी यहाँ से मैंने लिया है और इधर इफ़ यू आर स्टूडेंट सो यू कैन क्रिएट योर स्टूडेंट अकाउंट क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलती हैं और वो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सो वेदर यू विल गो फॉर जी मेल अकाउंट्स और रेडी फॉर याहू इन दीज अकाउंट्स आप अपना ई जो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स हैं उनको यूज़ करें मतलब स्टूडेंट अकाउंट जी मेल्स को यूज़ किया करें कभी भी जब आप फ्री सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑलवेज़ अपना स्टूडेंट अकाउंट को क्रिएट करें मतलब स्टूडेंट आई को यूज़ करना चाहिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है ए अकाउंट नेम इट मीन्स यहाँ पर इसने क्या लिया है मेरा अकाउंट लिया मतलब मेल आई लिया है यहाँ क्या लिया है ए अकाउंट नेम सो यहाँ पर आप किस नाम से करना चाह रहे हैं मीन्स योर नेम करना चाह रही हूँ उस फोल्डर पर उसका नाम दिया है लिखत यहाँ पे आप वेरीफाई करेगा क्या वेरीफाई मेल एड्रेस तो so सबसे पहले ये आपके ई मेल एड्रेस को वेरीफाई करेगा इस अकाउंट के बाद साइन इन टू एग्जिस्टिंग ए डब्ल्यू एस अकाउंट तो यहाँ हमें क्रिएट करना है न्यू सो विल गो फॉर द वेरीफाई मेल अकाउंट जैसे हमने वेरिफिकेशन दिया ईमेल अकाउंट को तो ये मेरे एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी पर क्या होगा मैसेज करेगा और भेजेगा इस आईडी पे के लिए मतलब वेरिफिकेशन के लिए इट टेक्स अ टाइम उसके बाद क्या होता है इस अकाउंट के बाद जैसे ही ये अकाउंट का वेरिफिकेशन कोड अगर आता है सो आई गो फॉर माई ओन मेल आई सो मैं एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया है

क्या पासवर्ड डालना है अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको दिस इज माई पासवर्ड मैंने यहाँ पे, पे अपना पासवर्ड पुट कर लिया देन रूट यूजर पासवर्ड एंड देर्म रूट यूजर पासवर्ड से यहाँ पर मैंशन है कंटिन्यू स्टेप वन टू फाइव यहाँ क्या आ रहा है दिस पासवर्ड इज पब्लिक ओके ओके वो कह रहा है डिफरेंट रूट पासवर्ड डालने के लिए सो हेयर्ज इन कंडीशन कि अपर केस होना चाहिए लोअर केस होना चाहिए नंबर्स होना चाहिए ये सारा होना चाहिए सो so, यहाँ पे कह रहा है क्योंकि पब्लिकली थर्ड पार्टी को जो पासवर्ड है आपका क्योंकि आप सर्विसेज किससे ले रहे हैं आप सर्विसेज ले रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू तो आपका जो पासवर्ड है वो शेयर होगा थर्ड पार्टी में सो ही सेम मतलब यहाँ पे मैंशन आ रहा है कि प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट पासवर्ड सो अलग दूसरे पासवर्ड्स को शेयर करें सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अनदर पासवर्ड Let me check. देखिए यहाँ जैसे वंस आई क्रिएटेड अ पासवर्ड सो यहाँ पे क्या लिख रहा है योर पासवर्ड एंड इट्स यू योर ई मेल आई डीज बिन सक्सेसफुली एंड देन यहाँ पे हमारा आ गया पासवर्ड ना कंटिन्यू स्टेप वन टू फाइव अब यहाँ पे अगेन पासवर्ड जो है पब्लिकली जा रहा है तो प्लीज ट्राई चलो हम एफ ए क्यूज की तरफ चलते तो पासवर्ड इज़ बींग टू तो बी मी नेवर चलिए अब दूसरा पासवर्ड क्रिएट कर लेते ठीक तो हम जैसे ही हमने लॉगिन किया है लॉग इन करके आपने देखा है क्रिएट किए हैं पासवर्ड्स को क्रिएट करने के बाद अगर आप क्रिएट अकाउंट में गए क्रिएट फ्री अकाउंट उसके बाद हमने ईमेल वेरिफिकेशन रिसीव किया मतलब तो अपना ईमेल आईडी आई डाला और फिर उसका ए का एक पैकेज का नाम अलग दिया हमने दोनों चीज पर जैसे ही एंटर किया उसके बाद अपना वेरीफिकेशन कोड रिसीव हुआ है हमको किसपे ई मेल पर जिस ई से आपने उसको लॉग इन किया हुआ है जैसे ही आपने ई मेल आई डी डालने के बाद आपको आया कोड आया वंस यू रिसीव द कोड कोड एंटर करने के बाद हमने पासवर्ड किया है जैसे आपका पासवर्ड मैच होता है क्योंकि बिकॉज आपका पासवर्ड जो होता है और ई मेल आई डी ये शेयर होता है थर्ड पार्टी से तो उसमें जो कंडीशन है अपर केस पासवर्ड में एंटर करने का अपर केस लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स का नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का उसी अकॉर्डिंग हमको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है वंस यू क्रिएटेड योर पासवर्ड तो हमें आता है ये फॉर्म खुल जाता है तो फ्री टायर ऑफर्स यहाँ पे है ऑलवेज फ्री ये है आपका कितने कब तक का होगा एक साल के लिए आपको ये फ्री टायर जो होता है ए का अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये सर्विसेज एक्सेस करने की परमिशन मिलती है न साइन अप ए तो यहाँ पे आएगा किस पर्पज से कर रहे हैं सपोज पर्सनल है या बिजनेस पर्पज से तो वी आर यूजिंग फॉर द पर्सन अपना नाम अपना फोन नंबर यहाँ पे नाम फोन नंबर इंडिया है तो हमें इंडिया का फिल करना होगा यहाँ सर्च करिए आई इंडिया नेम कहाँ से है क्या है ये सारी चीजें हमें फिल करना है ओके okay, यहाँ पे डाला हमने कंट्री इंडिया अपने आप देखिए कंट्री और रीजन ऐसे आप यहाँ पर सपोज यहाँ पे मैं नाम डाल दिया मैंने ऐसे ओके फुल नेम डालना यहाँ पे डाला वंस वी एंटर फिर देन फोन नंबर फोन नंबर इंडिया देन एड्रेस आपके सिटी देन स्टेट देन पोस्टल कोड हम जैसे इसको ओके करेंगे मैं अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ फोन नंबर इज सपोज तो यहां फिल करेंगे हम अपना फोन नंबर ठीक ये हमारा प्लस हम है इंडिया आ, आ, प्लस नाइन वन CH. ये फोन नंबर एंटर किया कंट्री एंटर की एड्रेस डाल दिया एड्रेस एंटर कर दिया सिटी एंटर करना है सो so ये आपको स्टेप पांच स्टेप्स के फॉर्म आएंगे टोटल उस पूरे को फिल करना होगा देन पोस्टल एड्रेस एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन तो इस तरह से हमें फाइव टोटल फाइव स्टेप्स वी आर हैविंग अब यहां पर आ रहा है साइन अप ए डब्ल्यू एस मतलब हमें ए डब्ल्यू एस को साइन करने के लिए यहां देना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर इट्स डन डोंट वरी इसमें डरने की बात नहीं है बिकॉज ये इसलिए ले रहा है आपका इससे आपके हार्डली टू रुपीज़ यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करेंगे इट टेक्स ऑनली टेक्स ऑनली टू रुपीज़ ये आपसे दो रुपये यही डिडक्ट करेगा यहाँ पे और दो रुपये डिडक्ट इसलिए करता है यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है और ऑनली टू रुपीज़ को एंड कर, तो डिडक्ट करेगा उसका रीज़न ये है कि वो वेरीफाई करता है कि आप रिमोट तो नहीं हो लाइक यू आर लाइफ जो एक्सेस कर रहा है वो रिमोट पर्सन तो नहीं एक्सेस कर रहा हु इज़ गोइंग टू एक्सेस कौन उसको एक्सेस कर रहा है इसके लिए हम ये डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालनी पड़ती है सो so, डेबिट कार्ड की डिटेल्स जैसे ही आप एंटर करेंगे उसे हार्डली दो रुपये एक्सेस होता है उस टू रुपीज़ के बाद वो ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद टू रुपीज होते हैं आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं सो so, यहाँ जैसे ही हम अपनी कंप्लीट डिटेल्स डालेंगे यहाँ आएगा यूज माई कॉन्टेक्ट एड्रेस जो है वो यूज करो और यूज अ न्यू एड्रेस तो जैसे हमने किया वी आर गोइंग यस किया डू यू हैव अ पेन येस और नो अगर आपने यस yes किया है तो पेन नंबर देना अगर नो no किया है तो प्रोसीड कर देंगे वेरीफाई एंड कंटिन्यू थ्री टू फाइव इस तरह से हम स्टेप फाइव तक मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी स्टेप देनी पड़ेंगी तो हम थ्री टू फाइव वंस वी हैव गोइंग फॉर द फिफ्थ स्टेप जैसे ही हम पांचवें स्टेप्स को क्लियर कर लेंगे तो लास्ट में जाकर के आपको सबमिट करना पड़ा वंस वी एंटर सबमिट तो अकाउंट क्रिएटेड बट अकाउंट जो एक्टिव होता है इट टेक्स अ ट्वेंटी फोर आर्स जिस तरह आपका ये डेबिट कार्ड होने पर ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद ये आपके जो डिडक्टेड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस आते हैं सिमिलरली जैसे हमारा अकाउंट क्रिएट होता है हाँ, उसको एक्टिवेशन के लिए पूरे ट्वेंटी फोर आवर्स का टाइम लेता है जैसे ही ट्वेंटी फोर आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको आपकी मेल पर ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद आपको आपकी मेल पर क्या एक्टिवेशन चार्जेस मिल जाते हैं मीन्स कि आपको मेल आ जाएगा कि आपका एक्टिवेशन हो गया है ना उसके बाद जैसे ही हमारा एक्टिवेशन हो जाता है तो वी आर एबल टू क्रिएट आर अकाउंट अकाउंट हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया हमने अपना अकाउंट बना लिया है आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है अब आप ए डब्ल्यू एस की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं अच्छा ए डब्ल्यू एस की सर्विसेज को हम क्यों यूज़ करते हैं क्या ज़रूरत है तो हमने पढ़ा है क्लाउड व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग उसकी सर्विसेज को पढ़ी हुई है तो क्योंकि हमें उन सर्विसेज को यूज़ करनी है वो बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या जब हम बोलते हैं क्लाउड्स हैं पब्लिक क्लाउड है है प्राइवेट है हाईब्रिडेड टाइप्स ऑफ क्लाउड इसकी सर्विसेज को इन सब को हमने पढ़ा तो उन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेटवर्किंग के लिए आपका डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वेब एप्लीकेशन यूज करने के लिए ये सारी सर्विसेज अप्रोक्स फाइव थाउजेंड प्लस सर्विसेज एस जो है वो देता है ठीक तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूं कि कौन कौन सी एडब्ल्यू एस की सर्विसेज है यहाँ पर आप एंटर करिए ए डब्ल्यू एस फ्री सर्विसेज फ्री सर्विसेज या एडब्ल्यू एस सर्विसेज भी हम डाल सकते हैं so, सो अगर हमने एडब्ल्यू एस सर्विसेज डाला किस तरह से आप ए डब्बू एस का पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं आपने एंटर किया ए डब्ल्यू एस का यू कैन सी यहाँ पर हमें यहाँ आया ए डब्ल्यू एस की सर्विसेज ये जो ए डब्ल्यू एस की सर्विसेज हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आज जो क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है और कहा जा रहा है कि क्लाउड इज़ गिविंग ईच एंड एवरी सर्विसेज बेसिकली जो क्लाउड होता है वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं आपके किसी भी वर्क को स्टॉप नहीं होने देते सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए डब्ल्यू एस क्लाउड प्रोवाइड

करेंगे नाउ ये है प्रोडक्ट

कंपेरिजन शीट्स हो गई एक्सेल्स हो गई या आपका जो डेटा बेस होता है रिसर्च पर्पज से जो हम ग्राफ क्रिएट करना इन सब में हम अपने इन चीज़ों को uh, को यूज़ करते हैं सो so, ये सारे टूल्स हैं आपके एनाल्टिक्स के देन गोइंग फॉर अप्लीकेशन इंटीग्रेशन मतलब आप बेब पे काम कर सकते हैं ये अप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाते हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन की तो ब्लॉकचेन आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है देन बिजनेस एप्लीकेशंस क्लाउड फाइनेंस कंप्यूट कॉन्टेक्ट सेंटर्स कंटेनर्स कंटेनर्स आपका डॉकर्स की हम बात करेंगे जब डॉकर्स आपको किस तरह तो से हेल्प करता है ठीक ये कंटेनर्स ही हैं वो सारे यहाँ पे देखिए ई डब्ल्यू एस क्लाउज आपने वर्ड सुना होगा ई सी टू इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग का पार्ट होता है आपको पूरा यूटिलाइजेशन कराता है तो यहाँ पे हमें ई सी टू भी मिलता है यहाँ पे हम ई सी टू की सर्विसेज को भी यूज करते हैं तो दीज आर द सर्विसेज जो ये वो सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड आपको देता है यहाँ पे देखिए डेटाबेस कंप्लीट डेटा बेस जैसे डाइनमो टी वी पर आपको काम करना है आपको इस डॉक्यूमेंट uh, पे काम करना है की स्पेस पे करना है मेमोरी टी पे करना है सो वी कैन यूज़ दीज फंक्शन फिर डेवलपर टूल्स आ गए यहाँ पे ऐसा डेवलपर आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए फ्रंट एंड के लिए क्या चाहिए गेम्स हैं आई ओ टी के सारे के ऐप्स हैं पूरे यहाँ तो आप आई ओ टी को का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग का पूरा है देन मैनेजमेंट मीडिया एवरीथिंग नेटवर्किंग सिक्योरिटी रोबोटिक्स सेटेलाइट एवरी थिंग एवरी सर्विसेस मीन्स आप लगभग इस प्रोडक्ट में आप पर इसके लिए अकाउंट क्रिएट करना मस्ट है तो लगभग इस प्रोडक्ट में हम ए डब्ल्यू एस के पाँच से ज़्यादा प्लस फ्री सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्टिंग तो क्योंकि ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड कराता है इंफ्रास्ट्रक्चर देता है एप्लीकेशन देखता है आई के एप्लीकेशन दिए इसने गेम्स के प्रोवाइड कराया है नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है सो मैनी थिंग्स आप हमारे आपके पास अगर नहीं है आपका एक सिंगल इंस्टेंस है आपके पास सिंगल मशीन है सिंगल हार्डवेयर है आप उसको दूसरे हार्डवेयर पे वर्क नहीं कर सकते तो ए डब्ल्यू एस जो है क्लाउड जो है आपको वो प्लेटफॉर्म या वो इन्वॉर्मेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें हम इन सर्विसेज का यूज करके अपने वर्क को कर सकते हैं तो ये है हमारी कंप्लीट क्या ए डब्ल्यू एस की सर्विसेज अकाउंट क्यों क्रिएट करना और उसके क्या प्लस पॉइंट हैं आपने देखा और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स को फॉलो करिए अकाउंट क्रिएट करिए एंड गो एंड यूज द दमेजन वेब सर्विसेज मतलब ए डब्ल्यू एस के सर्विसेज को यूज़ करिए यहाँ पे कंप्लीट वर्क हो जाएगा आप यहाँ यहाँ प्राइजिंग डॉक्यूमेंटेशन तो हम इस प्रोडक्ट पे जाएंगे और इन सारे प्रोडक्ट्स को जिस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक एस थ्री बकेट सुना होगा ई सी टू बकेटस आती है बकेट मतलब पूरी की पूरी सर्विसेज का आना हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एस थ्री बकेट मतलब स्टोरेज देना अमेजान स्टोरेज सर्विसेज और सिक्योरिटी का देना तो उस बकेट का भी हम इसमें यूज़ करते हैं सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स मतलब ये पूरे वो सर्विसेज हैं जो कि हमें आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में देता है आई होप आप क्रिएट करना फ्री टायर अकाउंट को क्रिएट करना और उसको प्रोडक्ट को किस तरह से हम यूज़ करते हैं समझ गए होंगे सो आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करिए अपने क्लाउड पे वर्क करिए और किस अपने वर्क को अपने इन्वामेंट को मींस अपने वर्क को क्या उसको में परफॉर्मेंस और उसकी उसकी परफॉर्मेंस और इवोल्यूशन को इम्प्रूव करिए थैंक यू